रूस और यूक्रेन के बीच कई बार बातचीत हो चुकी लेकिन सुलह का रास्ता नहीं निकला। युद्ध जारी है और रूस की सेना यूक्रेन की सेना पर भारी है। ऐसे में यूक्रेन को यूरोप के देशों और अमेरिका से मदद मिल रही है। हालांकि इस मदद को यूक्रेन कम कहता आया है, लेकिन इतना साफ है कि यूक्रेन को मिलने वाले एडवांस डिफेंस सिस्टम आधुनिक हथियारों ने रूस के लिए जंग बहुत मुश्किल बना दी। चौबीस फरवरी को पुतिन ने यह ऐलान किया था कि वो यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। इसके बाद यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें बरसने लगी। तब दुनिया भर के सामरिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि 4 से 5 दिन में यूक्रेन डिग जाएगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और यूक्रेन अभी भी जंग के मैदान में डटा है। रूस, जिसके हथियार दुनिया के आधे से अधिक देश खरीदते हैं और अपनी सैन्य ताकत पर गुमान करते हैं, उसके सामने यूक्रेन अकेले कैसे टिका हुआ है? और जिस लड़ाई को अधिक से अधिक 4 दिन का माना जा रहा था, वो 1 महीने बाद भी निर्णायक स्थिति में कैसे नहीं पहुंच सकी? अमेरिकी डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और नेटो देश पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। अब तक यूक्रेन को 25,000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइल, करीब 10,000 एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइल भेजे जा चुके हैं। यहाँ सैन्य साजो सामान पहुँचने के बाद उन्हें सड़क से यूक्रेन की सीमा में दाखिल कराया जा रहा है। लवीव के रास्ते हथियार जंग के अलग अलग मोर्चों पर भेजे जा रहे हैं, इसीलिए रूसी हमले का नया निशाना लवीव है। हथियारों के रूट पर रूसी हमले की आशंका को लेकर भी पश्चिमी देश अलर्ट है। 25 मार्च को जर्मनी से 1500 स्ट्रेला विमान भेदी मिसाइलें और 1000 से ज्यादा MG3 मशीन गन की एक खेप यूक्रेन पहुंची है। यूक्रेन को भेजे जा रहे इन सैन्य साजो सामान में एंटी टैंक मिसाइलें, मिसाइल लॉन्चर, सरफेस टू एयर मिसाइलें, सैन्य वाहन, असॉल्ट राइफलें भेजी जा रही हैं। इस काम के लिए पोलैंड की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है और इसीलिए पोलैंड पुतिन की आंखों में चुभ रहा है। पोलैंड को चेतावनी भी दी गई, लेकिन हथियारों की सप्लाई जारी है। ऐसे में अगर इस सप्लाई चेन को काटने के लिए रूस पोलैंड को निशाना बनाता है तो विश्व युद्ध छिड़ना तय है।